बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सूरज रहा हूँ, और आज किस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम जो आपसे वादा किए हैं उस वादों को हम पूरा कर रहे हैं। तो आपने जो मुझसे वादा किया है आप उसको भी पूरा करिए प्लीज़ यार। आपके जितने छात्र हैं, जितने क्लास स्टूडेंट हैं, जितने लोग हैं, जितने मेहमानी में हैं, इस सभी को और पड़ोसियों को भी बता दो कि पेपर हैकर से ही पढ़ना है, पेपर हैकर से ही पढ़ना है। हाई स्कूल हो, अब मैं कक्षा छः से लेकर सभी स्टूडेंटों के लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्लासें तो मैं नहीं दे पाऊंगा इतनी सब कुछ, लेकिन नोट्स वो दूंगा और वो आपको देंगे जो पेपर में आएगा मोस्ट। बस जैसे कि आप जानते हैं, अब हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, अब भैया क्या लेके आ रहे हो, गैस पेपर लेके आ रहे हो, दिनेश का, प्रतिभा का, सॉरी क्या क्या आता है, जो मास्टरमाइंड का आता है, दिव्या का आता है, पता नहीं किसका, विद्या का आता है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, प्रखर का आता है, पता नहीं क्या क्या, तो वो चीज़ वहाँ आती है देखा गया है। तो मैं उन सब के जगह पे एक ऐसा नोट्स दूंगा जो आप बहुत कम पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो बिल्कुल। और आपको 100-200 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक नामात्र फीस पर, या फिर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को फिर डाउनलोड कर बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, आपको डरने या फिर घबराने की या फिर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यह आपका छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो या फिर बड़ी बहन हो, आपसे कोई इशू नहीं है। आप उनको सभी को बताओ कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कराओ, सभी फैमिली मेंबर्स को और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं जो 70% की जो हम बात करते हैं दो दिन पहले, वो आपको भी बताए कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जूलॉजी का थर्ड पेपर है, सेकेंड ईयर वालों ध्यान से देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं 11/7/2022 11 जुलाई को जो होने वाला पेपर की, क्योंकि आपको अब कुछ नया करना है, इतिहास रचना है। 2022 के टॉपर आप बनोगे यदि संघर्ष तुम करोगे तो, समझ रहे ना, संघर्ष करोगे तो टॉप बनोगे। इस बात को तो भाई क्या इतिहास भी गवाह है, संघर्ष करने से ही सब कुछ होता है। चलो कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो। अब बात करने वाले हैं हम लोग, और जो वादा मुझसे किया है ना क्लास में जाते ही अपने क्लास टीचरों को भी, जो क्लास टीचर हैं आपके, सर आज मैं पेपर हैकर से पढ़ के आया हूँ, आज जबरदस्त पेपर दूंगा। और जैसे ही आपका पेपर छूटता है कि सर आज मैं पेपर हैकर से पढ़ के आया था और देख लो जो उन्होंने बताया वही आया है पेपर में, तो वो भी कहेंगे हाँ सच है। यदि सच ना माने ना तो उन्हें प्रूफ भी दे देना कि सर देखो दो दिन पहले उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे बताए, ये सारे के सारे छपे हैं इस पेपर में, कह देना यार। और उन दोस्तों को भी कह देना जो आपकी बात पर विश्वास ना करें, उनको भी दिखा देना वीडियो, आप खुद उनको लिंक भेज देना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना यार, समझ रहे ना, जो विश्वास आप पे ना करें। करना पड़ेगा पेपर हैकर पर विश्वास, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। चलो अब आपने बुक को, नोट्स को, गैस पेपर को ओपन कर लिया होगा, और जो वादा किया है उसको निभाना जरूर है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे जो वादा करता हूँ दो दिन पहले पेपर का डालने का, वो भी मैं पूरा करता हूँ, तो आप भी करिए। और 3 से 4 महीने पहले मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, 18 से 19 क्वेश्चन, उनको पढ़ लोगे तो आपको 85% प्लस मिल जाएगा। यदि वही आपकी बात करूँ, यदि आप यही 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 70% मिल जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भैया कितने नंबर पढ़ना चाहते हो, कितने परसेंट लाना चाहते हो। चलो आप फटाफट टिक लगा लो अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर में जो आपका पेपर में छप रहा है। भोजन का पाचन पढ़ लो कि भोजन का पाचन हमारे अंदर कैसे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन टिक लगा दिया। अब देखो ब्लड क्लोटिंग, जिसे हम रक्त स्कंदन बोलते हैं, रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त होता क्या है, और रक्त स्कंदन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। चलो श्वसन प्रक्रिया, हमारे अंदर सांस लेने की प्रक्रिया को पूरा इमेज सहित दर्शा रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, नाइट्रोजन चक्र को छोड़, उत्सर्जन को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। वक्र को देख, ये देखो किडनी के द्वारा मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मतलब मूत्र का निर्माण में किडनी के महत्व क्या होते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। नीचे चले जाओ, ये क्वेश्चन बनता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन किस तरीके से होता है बॉडी के अंदर, ये देखेंगे। मानसिक चक्र, पीरियड आने का टाइमिंग जो 28 दिन के अंदर आता है उसके बारे में आपको देखना है, पूरा प्रोसेस देखना है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स की महत्व। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, यह सबसे छोटी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो
हृदय की संरचना को पढ़ लेना। हृदय की संरचना पूछी गई है कई बार, लीवर की नहीं पूछी जाती है, हृदय की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के प्रकारों को पढ़ लेना। एंजाइम कितने प्रकार, को एंजाइम हो गया, ठीक है, सहएंजाइम हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एंजाइम के प्रकार पढ़ के जाएंगे। बी एम आर क्या होता है, प्रोटीन्स, विटामिन, विटामिन को पढ़ के जाएंगे, विटामिन क्या है, ठीक है, विटामिन। क्रमांकुचन क्या होता है, श्वसन रंजक को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जाएंगे वोहर इफेक्ट को याद करके जाएंगे, वोहर इफेक्ट क्या होता है। अंतःस्रावी बाहरस्रावी ग्लैंडों को पढ़ के जाएंगे, जैसे कि अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्लैंड, उसको पढ़ के जाएंगे। प्रतिवर्ती धारा, ये शॉर्ट में। अब कुछ छात्र ये कहते हैं कि सर ये शॉर्ट में बनेंगे लॉन्ग में बनेंगे, तो उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि भाई आप थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो या नहीं हो यार, आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, ये दूसरे तीसरे क्लास में नहीं हो, ठीक है, कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन अलग कराया जाए शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये भोजन का पाचन पड़ेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रख रहा हूँ। श्वसन प्रक्रिया यदि इमेज सहित आपसे डायग्राम सहित पूछेगा तो लॉन्ग में बनेगा। रक्त स्कंदन शॉर्ट में बनेगा, ठीक है। मूत्र का निर्माण लॉन्ग में बनेगा। लोगो यार क्या दिक्कत है, आपको पता है लॉन्ग और शॉर्ट कुछ भी हो आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर में जैसे दिया रखा है, जैसे मान लो आपसे पूछो कि पाचन, भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, तो यदि आपके बुक में शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में पढ़ लो, यदि भाई आपके नोट्स में लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग पढ़ लो, का दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग में डरने की जरूरत नहीं है। हृदय की संरचना यदि डायग्राम पूछ रहा है केवल इमेज, तो शॉर्ट में पूछेगा, सब कुछ पूछ रहा है तो यार लॉन्ग में पूछेगा, बात खत्म। समझ रहे हैं ना। चलो एंजाइम हो गया, क्रमांकुचन हो गया, श्वसन हो गया, बोहर हो गया, इफेक्ट हो गया, प्रतिवर्ती धारा हो गई। पेसमेकर, पेसमेकर के बारे में पढ़ लेना, पेसमेकर क्या होता है, ठीक है, पेसमेकर, पेसमेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंगरहंस की दुपिकाओं को पढ़ लेना, लैंगरहंस की दुपिकाएं क्या होती हैं, प्रिंकियास क्या होता है, अग्न्याशय से बोलते हैं। सोडियम पंप को पढ़ के जाएंगे आप सभी लोग। कैरी साइकिल क्या होता है, इसको पढ़ के जाएंगे, ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, ये सारे जितने बता रहा हूँ ये सभी शॉर्ट के पेपर है, शॉर्ट में पूछे जाते हैं। देखो ताला कुंजी सिद्धांत और पेरिथ्रोइड सिद्धांत, ये कोएंजाइम मैंने अभी आपको बताया था, एंजाइम के प्रकार पूछता है, ये पूरा बोला गया। पॉलीसेक्राइड्स ये सब शॉर्ट में, सब शॉर्ट में। कोएंजाइम ये सब मैंने ऊपर बता दिया, ये वाला कोएंजाइम में, बात खत्म। आपातकाल हार्मोन्स को पढ़ लेना। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना पूछा जाता है इतना, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको पढ़ लेना। कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरत नहीं पढ़ने की। टेटनेस छोड़ो, पेसिक सरतीचु को छोड़ो, बाइक खत्म, इतना ही पढ़ लो, यही कर लो, अरे हो गया यार, बात खत्म। ये देख लो लिपिड्स का वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लिपिड्स इतना ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में से दो में से एक दोनों में से या में आएगा अथवा में, ये दोनों में दोनों बनेंगे या तो फिर एक बनेगा, लेकिन बनेगा 100%, बस इतना ही पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 दिन है, क्योंकि देखो यार टॉप करना है ना, मतलब 70% प्लस लानी है, अच्छा संघर्ष करना है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओ और आपको याद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ एक बार आप पढ़ लोगे ना इन क्वेश्चनों को तो याद हो जाएंगे, बस बना बना के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो भी आप बना बना के करोगे, ज्यादा कुछ फोर्स नहीं देना अपने माइंड पर, बस संघर्ष करते रहना, थोड़ा पढ़ते रहना, काम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मुझसे वादा किया आपने पहले स्टार्टिंग में कि आप सभी लोगों को बताएंगे, अपने क्लास टीचरों को, अपने भाई को, बहन को, सबको बताएंगे, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करा लो, और जो हमारी वेबसाइट है उसको फॉलो करा लेना। फॉलो एक आएगा जैसे हम paperhacker.in पर जाएंगे तो फॉलो कर लेना, अलाउ जैसे करने के लिए आएगा, नोटिफिकेशन अलाउ तो अलाउ कर लेना, काम हो जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।